लॉकडाउन कम्पिटिशन में आप सबों का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। बड़ी खुशी हुई कि लॉकडाउन सीजन में आप लोगों ने अपने अपने रिव्यू भेजे, अपने वीडियोस भेजे, अलग अलग जानवरों के भेजे, अपनी आपने कोशिश करी, उसमें भाग लिया, उसके लिए मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसका रिजल्ट तो खैर आएगा और जो भी विजेता होगा उसको सर्टिफिकेट या इनाम दिया जाएगा, उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, उसको शाबाशी दी जाएगी, वो तो ठीक है, सबको मुबारक हो। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस लॉकडाउन में सबसे पहले आप अपने आप को लॉकडाउन करिए, अपने घरों में रहिए, घरों के अंदर सीमित रहिए, तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे। ये बहुत ही खतरनाक वायरस फैला हुआ है, जिसका अगर हमने हुकूमत के कहने के पालन नहीं किया, अगर अपने आप को घर के अंदर हमने सेफ नहीं किया, तो इसका बहुत ही नुकसान हो सकता है और हमारे इस बाहर निकलने से औरों को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, घर के अंदर ही रहिए, अपने आप को सेफ करिए। आप सेफ रहेंगे तो पूरा परिवार सेफ होगा, पूरा हिंदुस्तान सेफ होगा। आप लोगों ने जो अपने वीडियो भेजे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और सब मेरा भतीजा आसिम उसको देख रहा है, चेक कर रहा है और इंशाल्लाह उसमें जो भी विजेता होगा उसको इनाम दिया जाएगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जिस तरीके से आप इस लॉकडाउन में अपने आस पड़ोस के लोगों को उनका ख्याल रख रहे हो, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके बैठने का, किसी चीज़ को किसी चीज़ की कमी ना हो, ये ख्याल कर रहे हो और आप लोग भी अपने जानवरों का ख्याल कर रहे हो, बड़ी खुशी बात है। इस्लाम तो ये कहता है कि आप जो खाते हो वही अपने गुलाम को खिलाओ। इसी तरीके से इस्लाम ये भी कहता है कि अपने सवारी के जो जानवर हैं उसको भी आप लोग खाना खिलाओ। उसको भी अगर आपने कहीं मतलब सवारी के लिए इस्तेमाल किया है तो एक मुकाम पे जाने के बाद में उसको भी थकने के लिए जो उसको आराम की ज़रूरत है, तो इसलिए आराम दो, उसको खाने का ख्याल रखो, उसको पीने का ख्याल रखो, क्योंकि जानवरों के साथ भी एक तरीके से अच्छा तरीके से व्यवहार करना चाहिए ताकि उनको भी खाने पीने की किसी चीज़ की कमी ना हो। इस लॉकडाउन में इंसान तो खा ही रहे हैं सब लोग किसी ना किसी तरीके से, लेकिन जानवरों के कैसे बीत रही है, वो कैसे खा रहे हैं, ये आप बिल्कुल सोच समझ सकते हैं इस चीज़ को। एक मैंने वीडियो देखा था आगरे का, एक दूध वाला जब दूध लेके जा रहा था तो उसका केन गिर गया और चार पांच कुत्ते वहाँ पे आके उस दूध को पी रहे थे। वहीं पे एक आदमी, गरीब आदमी, एक भगोने के अंदर अपने दूध को लेके जा रहा था, तो लोगों ने जब उससे पूछा कि भाई ये दूध क्या तुम अपने जानवर को या अपने कुत्ते को खिलाओगे, उसने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उनको खिलाऊंगा। बड़ा अफसोस होता है इन चीज़ों को देख कर कि बच्चे भी भूखे हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि सब चीज़ों का ख्याल रखो, अपने जानवरों का ख्याल रखो, अपने कुत्ते बिल्ली, यहाँ तक कि अपने मोहल्ले में अगर कुत्ते बिल्ली हैं, मुर्गी हैं और बतख हैं या कबूतर हैं, उनका भी ख्याल रखो कि उनको भी इस मुसीबत में खाने को मिले। ये बहुत बड़ी नेकी है, ये नेकी कोई छोटी मोटी नेकी नहीं है, ये बहुत बड़ी नेकी। अगर आपने जानवरों को खिलाया और मछलियों को दाना दिया, मछलियों को अगर आपने कुछ भी खाने को दिया, तो वो भी एक सवाब के मतलब ज़ुमरे में आता है, उसका भी अल्लाह ताला बहुत सवाब देता है। बहरहाल मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह कुछ ही देर में या थोड़ी देर के बाद में हमारे भतीजे साहब आसिम साहब जो भी विनर होगा उसको घोषित करेंगे, उसका नाम अनाउंस करेंगे। मेरी आप तरफ से मुबारकबाद है, विनर को मुबारकबाद है और जो विनर नहीं होंगे उनको भी मुबारकबाद है कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में, इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। खैर अगर आप विनर नहीं हैं, आप रनर हैं, तो कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए। इंशाल्लाह ताला आज अगर आप विनर नहीं हुए तो कल इंशाल्लाह ताला आप अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से फिर एक बार कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका जिन्होंने भी भाग लिया इस कंपटीशन में और जिन्होंने भी वीडियो देखा। इससे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो आगे भी जारी रख पाएँ। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा उन सभी का जिन्होंने इतनी मेहनत से वीडियो भेजे। मैं हर वीडियो तो नहीं डाल पाया लॉकडाउन कंपटीशन सीज़न 1 में, पर दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी
डीमोटिवेट मत हो जाओ। कल से इंशाल्लाह सेकंड सीज़न स्टार्ट हो रहा है, आप लोग इसमें ट्राई कीजिए एंड इंशाल्लाह आगे भी हम लोग ऐसे ही कुछ कंपटीशन रन करते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, मैं नंबर वाइज कुछ लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने वीडियो भेजा। सबसे पहला वीडियो जो हमने डाला राशिद भाई का, उनका जो बोर बकरे का था। ओवेस भाई का वीडियो डाला जिनका मिनी जू है हरियाणा में, माशाल्लाह काफ़ी सीखने मिला ओवेस भाई आपसे हमको। खान गोट फार्म जिन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हमको। खान गोट फार्म ने ग्रेजिंग के बारे में बताया, खाने पीने दवा के बारे में बहुत ही उम्दा बातें बताईं। मोइन भाई जिन्होंने वाइट हैदराबादी भी दिखाया और जेट नासी दिखाया, हमारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे उन्होंने अपना नासी बकरा दिखाया जिसके कान काफ़ी लंबे थे, तो शुक्रिया मोइन भाई खास करके। निसार बेग साहब ने अपने अजमेर के 3 बकरों का शौक कराया, बहुत मज़ा आया था निसार भाई हमको। राजस्थान के हमारे भाई थे ब्रीडर, जो 2000 में जो जिनको राजस्थान गवर्नमेंट से ब्रीडर मिला था, बहुत अच्छा बताया उन्होंने ग्रेजिंग के बारे में बताया। उन्होंने वीडियो के एंड में एक बात बोली जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, उन्होंने ऐसा बताया कि उन्होंने जो ये गोट फार्म है ये मुझसे इम्प्रेस होके, मतलब आसिम से इम्प्रेस होके खोला, तो ये सुनकर लाइक मुझे काफ़ी और मेहनत करने का और आप तक बहुत इन्फॉर्मेशन लाने का जज्बा जागा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आमिर भाई ने जो जयपुर के, उन्होंने अपना तोतापुरी ब्रीडर दिखाया। हमारे उमेर भाई पाकिस्तान से जिनका चैनल है खुद का हाउ टू एनिमल्स, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह, वो हमारे को पाकिस्तान की ब्रीड्स के वीडियो भेजते रहेंगे आगे भी और मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आगे है हमारे आसिफ भाई जिन्होंने अपने गोट रेंज के बारे में बताया, बंगाल से हैं वो, वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से हमारे भाई। एफ़ के असील फार्म पूना से उन्होंने अपना नूरी मुर्गा दिखाया। हमारे सोहेल मुखी साहब जो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम करते पतिरा में, उन्होंने अपनी इंडियन राजापुरी राजनपुरी दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। देन टॉक का एक बड़ा बकरा देखा हमने, बहुत छोटा वीडियो था वो, वीडियो में कुछ ज़्यादा बातें नहीं थी पर ठीक है, वो हमने इंक्लूड किया था क्योंकि वो क्लियर वीडियो था। फिर पतिरा ब्रीडर देखा हमने दिल्ली से, हमारे भाई जिन्होंने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया और पतिरा के बारे में बताया। आसिफ भाई जो है मुंबई से, उन्होंने अपना पंजाबी बकरे दिखाए, उनको सबसे ज़्यादा व्यू मिले, मैं बता दूँ आपको रीज़न मुझे पता नहीं, पर आसिफ भाई जो है 2 पंजाबी बकरे थे उनके, काला वाला और एक नागरा कलर में, सबसे ज़्यादा व्यू वो वीडियो को मिले, 2 बकरे थे 100+ बताया था उन्होंने। फिर वाइट बरबरे का वीडियो देखा, उनको 20 साल से ज़्यादा नॉलेज है बकरों के बारे में। बाबा गोट फार्म ने हमको अपना ब्रीडर बताया, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। देन हमने एक बहुत ही अच्छा और बरबरा देखा। ऐसी अगर लिस्ट काफ़ी लंबी है पर काफ़ी अच्छे अच्छे बकरे देखे, मालवा देखा हमने एक। देन शुभम भाई ने असील फार्म का बताया हमको एक अपना मुर्गा। जावेद भाई ने, मोहम्मद जावेद साहब ने अपना बकरों का ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में बताया। एक मेंढे का वीडियो आया था नेल्लोर जुडीपी का, वो भाई का शौक मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पुराना मेंढा था उनका, उन्होंने उसका फ़ोटो वीडियो आज तक संभाल के रखा है, भाई ये होता है शौक, वो उन्होंने बताया। फिर एक फार्मी ब्रीड के बारे में हमको, जोधपुर की जो ब्रीड है उसके बारे में मालूम पड़ा, और 2210 गोट फार्म का हमने बादशाह देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा। 31 वीडियोस हमने डाले पहले लॉकडाउन चैलेंज में, कोई कोई भाई के 2 वीडियो थे। सो जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेंट किया, जिन भी भाई ने का वीडियो बना और हमारे चैनल पे आया, आप सबको हमारे चैनल की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा पार्टिसिपेशन का। आप जीते हारे वो नहीं, पर आपको एक पार्टिसिपेंट का ज़रूर सर्टिफिकेट मिलेगा। जो भी भाई का वीडियो हमारे चैनल पे आया उन सबको अभी मैं उनको एक डिजिटल कॉपी भेज दूँगा, और जैसे ही कोरियर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में, हम उनको कोरियर भी कर देंगे उनका सर्टिफिकेट, जो वो फ्रेम करके अपने फार्म में या इंडिविजुअल घर पर लगा सकते हैं। तो ये बात रही उन भाइयों की जिन्होंने हमको वीडियो भेजा। और हमारे जो भी लॉकडाउन सीज़न हो गया थी, ये कोई ना कोई फार्म वाले या तो यू नो कोई भी फीड वाले
इसको स्पॉन्सर करेंगे, मैं आपको बता दूं। और ये जो हमारा लॉकडाउन सीज़न था, इसको स्पॉन्सर किया है अबू डाइट ने। अबू डाइट एक बकरों की फीड के रिलेटेड काम करते हैं, ये मुंबई एंटोफिल में ही है। मैं उनके वीडियो पहले भी डालता रहता था, तो मैं उनसे कुछ मशवरा कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये पूरा आपका लॉकडाउन सीज़न वन मैं स्पॉन्सर करूँगा, और जो भी गिफ्ट अनाउंस होंगे वो उनकी तरफ से होगा। तो जैसे वीडियो आगे जाएगा मैं आपको गिफ्ट के बारे में बता दूंगा, पर क्योंकि वो हमारे स्पॉन्सर हैं इस लॉकडाउन सीज़न के, तो मैं थोड़ा उनके बारे में बता दूंगा। और आप उनका नंबर ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। वो ऑल ओवर इंडिया गोट फीड डिलीवर करते हैं, जिसमें हरी पत्ती होती है, तुअर भूसा, मक्का, जव, हर किस्म की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उनका नंबर आप लोग ले सकते हैं अबू डाइट का, हमारे डिस्क्रिप्शन से, और मैं उनका नंबर स्क्रीन पे भी लिख दूंगा ताकि आप लोगों को आराम हो। और ये वीडियो में आप जो भी बकरे देख रहे हो अभी, ये एक्चुअली जो मेरी लास्ट ट्रिप थी उसमें मैंने कुछ ऐसे ही वीडियो बनाए थे स्लो मोशन के, जो मैंने वीडियो में यूज़ नहीं किए, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। होपफुली आप देख रहे होंगे, पहले आपको जखराना की ग्रेजिंग दिखी, अभी आपको जो मंडी में गया था काले की मंडी, ये उसके कुछ वीडियोस है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे पंजाबी बकरे दिखे थे मेरे को यहाँ पर। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था कि स्पॉन्सर कर सकते हैं पूरा लॉकडाउन सीज़न। अभी जो हमारा कल का लॉकडाउन सीज़न स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो। एंड हम आपको ज़्यादा डिटेल्स बता देंगे, आपको मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा नीचे हमारे चैनल का, जिससे आप कॉन्टैक्ट करके आप स्पॉन्सर कर सकते हैं पूरा लॉकडाउन सीज़न। मथुरा एंड सोलिया गोट फार्म से हमारी बात चल रही है, होपफुली अगर वो रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह कल तक, तो मैं कल एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो डाल दूंगा, जिसमें के जो ये नेक्स्ट सीज़न है वो मथुरा एंड सोलिया गोट फार्म स्पॉन्सर करेंगे। तो वो क्या देते हैं उसमें हमको देखना पड़ेगा, या ट्रेनिंग वो फ्री में देने वाले हैं या कुछ कूपन कोड्स देंगे, वो हम कल तक आप तक ज़रूर लाएंगे। अभी टाइम है कि मैं आपको विनर डिसाइड कर दूं और विनर बता दूं आप लोगों को। काफ़ी मशक्क़त के साथ दोनों 5 नाम काफ़ी उभर के आ रहे थे, उसमें से हमको 3 ही चूज़ करने थे, तो मैं एक एक करके आपको बता दूंगा। जो मैं थर्ड से स्टार्ट करता हूँ, थर्ड प्राइज़ जो भाई ने जीता है आपको सर्टिफिकेट के साथ देखने मिलेगा उनका नाम। एंड द थर्ड प्राइज़ गोज़ टू जाहिद भाई, जिन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी हमको। सेकंड प्राइज़ मिलता है खान गोट फार्म को अगेन, एंड द विनर इज़ मोहम्मद ओवेस भाई जो हरियाणा से हैं। सो दोस्तों, ये थे हमारे तीनों विनर, आप तीनों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप तीनों तक ये सर्टिफिकेट का डिजिटल कॉपी पहुँच जाएगा, एंड जैसे लॉकडाउन या कोरियर सिस्टम स्टार्ट होगा आपके घर तक ये पहुँच जाएगा। एंड जो इनाम देने की बात है, सो जैसे मैंने आपको बताया ये पूरा लॉकडाउन सीज़न स्पॉन्सर किया था अबू डाइट ने, तो आप तीनों को अबू डाइट की तरफ से आपको उनका मिक्स फीड का पूरा बैग मिलेगा, एंड आप तीनों तक ये बैग पहुंचेगा। मैं आपको बता दूंगा कैसे कॉन्टैक्ट करना है इनको, आपको पर्सनली मैं उनका नंबर दे दूँगा, एंड उनको आपका नंबर दे दूँगा तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, और आप तीनों तक वो अपने मिक्स फीड अनाज जो वो बेचते हैं वो एक एक आपको बैग आपके घर तक पहुंचेगा इंशाल्लाह। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने पार्ट लिया इसमें, ख़ास करके हमारे तीनों विनर्स का। इसके अलावा प्लीज़ कल से लॉकडाउन सीज़न 2 स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग पूरा तरीके से उसको देखें, इंजॉय करें। अगेन थैंक यू सो मच, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्तों।